नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। रेलवे पटरी के किनारे लावारिस शव मिलने से हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, 25 नंबर पुल के पास कटौनती रेलवे गेट नंबर 66 के पास दुद्धी सोनभद्र में एक अज्ञात शव मिलने से गाँव में बना हुआ है भय का माहौल। मौके पर पहुंचे दुद्धी सीओ प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, एसआई बलिंदर यादव, एसआई इनामुल हक खान, हमराही सिपाहियों के साथ कांस्टेबल विकास यादव, विवेक कुमार सिंह, प्रदीप राय, अमित राय, ग्राम प्रधान सोमनाथ उपस्थित रहे। दुद्धी क्षेत्राधिकारी के बताने के अनुसार कोई यात्री है जो ट्रेन से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो चुकी है। शव 24 घंटे से झाड़ियों में पड़ा रहा, लेकिन रेलवे को खबर तक नहीं लगी। घटना स्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है रेलवे गेट। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल दुद्धी पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्टार 7 टीवी न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप लोगों में से कोई भी इस व्यक्ति को जानते हैं तो कृपया हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। अभी हम कठौंधी दुद्धी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में आए हैं। यहाँ एक लड़का बताया जा रहा है ट्रेन से धक्का लगने या वजह का अभी कोई पता नहीं चल रहा है कि किस कारण इसकी मृत्यु हो चुकी है। और ये देखने से लग रहा है कि काफी पहले का, ये 2 दिन या 3 दिन के हिसाब से लग रहा है ऐसा कुछ। ये रेलवे लाइन देखिए, और यहाँ धक्का लगने की वजह से इसका हुआ है। अभी इसकी विशेष जानकारी ये भी नहीं है, लेकिन इसके अभी बाद अभी बताते हैं आपको जैसी ही जानकारी आपके पास आती है हमारे पास। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।